नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। जय श्री राधे। आज श्री श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय का आविर्भाव दिवस है। महाप्रभु जी के परम श्रेष्ठ भक्तों में से आप एक पात्र हैं। आपका जन्म महाप्रभु जी की लीला संवरण के बाद हुआ। आप भी एक ऐसे पात्र हैं जो रेयर हैं। महाप्रभु जी के प्रत्येक पात्र, चाहे वो राय रामानंद हो, चाहे सार्वभौम भट्टाचार्य हो, चाहे नामाचार हरिदास हो, स्वरूप दामोदर हो, नरोत्तम ठाकुर हो, अपने आप में मैचलेस हैं। एक जैसे दो पात्र नहीं है। नरोत्तम ठाकुर का जन्म एक राजवंश में हुआ, राजकुमार थे। एक बार जब महाप्रभु वृंदावन आए, आपके साथ बहुत सारे लोग थे, कनाई नाथशाला पर पहुंचकर फिर वापस लौटने की बात पड़ी बनी, तो महाप्रभु जी ने जोर से हुंकार भरते भरते हा नरोत्तम हा नरोत्तम हा नरोत्तम हा नरोत्तम कहने लगे। तो सबने सोचा भी नरोत्तम पुरुषोत्तम, भगवान श्री जगन्नाथ को पुरुषोत्तम भी कहते हैं, नरोत्तम भी कहते हैं, नरों में जो श्रेष्ठ है नरोत्तम ठाकुर का नाम है। सब लोग सहे तो एकांत में नित्यानंद प्रभु के को ले गए। बोले नित्यानंद प्रभु, आप जो है पास में जो पद्मावती नदी है वहां चलो। बोले प्रभु वहां क्या करोगे? बोले तुम चलो। वहां गए और उनसे बोले कि नित्यानंद प्रभु, तुमने कृष्ण प्रेम में जितने भी अश्रु बहाए हैं ना, तुम्हारा एक भी आंसू मैंने व्यर्थ नहीं जाने दिया है। तुम्हारे उन आंसुओं को मैंने संग्रहित करके एक पोटली में बांध रखा है और वो पोटली मैं पद्मावती नदी को संभालना चाहता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा उससे क्या होगा? बोले अभी कुछ वर्ष बाद नरोत्तम जन्म लेगा और वो जो आपके प्रेम के अश्रु हैं वो वास्तव में नरोत्तम की संपत्ति हैं। नरोत्तम ही उनका उत्तराधिकारी है। आपका एक भी अश्रु व्यर्थ नहीं जाएगा, वो मैं पद्मावती को दूंगा। फिर जब नरोत्तम का जन्म होगा तब पद्मावती से वो प्राप्त करके कृष्ण प्रेम में इतने अश्रु बहाएगा कि जिसका कोई अंत नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु तो जानते ही हैं। बोले चलो प्रभु। तो चले गए पद्मावती के किनारे। नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु और अन्य 10-5 वैष्णवों ने जोर से संकीर्तन किया। पद्मावती प्रकट हुई, मूर्तिमान हुई। बोले प्रभु आज मेरा सौभाग्य है। बोले पद्मावती, हमने तुम्हारा आवाहन किया है, ये लो तुम नित्यानंद प्रभु के प्रेम के अश्रुओं की पोटली, ये तुम अपने पास सुरक्षित करो क्योंकि हमें लीला संवरण करनी ही होगी और इन्हें तुम्हें संभाल के रखना होगा। पद्मावती ने कहा मेरा बड़ा सौभाग्य, आपने मेरे को इस सेवा के योग्य समझा। उसके बाद बोले मैं पहचानूंगी कैसे नरोत्तम को? तो महाप्रभु ने कहा देखो पद्मावती, वो आएगा तुम्हारे जल में स्नान करेगा, करते ही तुम्हारे अंदर सात्विक विकार उच्छाल तरंगे पैदा होने लग जाएंगी, तुम उसको सहज में पहचान जाओगी, तब ये नित्यानंद प्रभु के अश्रुओं की पोटली तुम उसको समर्पित कर देना, वो इन अश्रुओं के आश्रय में आनंद लेगा। इस प्रकार संकीर्तन के मध्य वहां बहुत संकीर्तन के पश्चात महाप्रभु ने वह पोटली
पद्मावती को दी, पद्मावती अंतर्ध्यान हो गई, संकीर्तन करके सब लोग चले आए। इधर नरोत्तम प्रभु का जन्म हुआ, ये राजकुमार थे, बहुत सुंदर चरित्र है। यहाँ व्हाट्सएप पर कितना बोलूंगा मैं संक्षेप में। जब वो 12 वर्ष के हुए नरोत्तम, तो महाप्रभु ने स्वप्न दिया, नरोत्तम तुम पद्मावती के पास जाओ, तुम्हारी एक वस्तु हम पद्मावती को दे आए हैं, तुम उसे स्वीकार करो। तो नरोत्तम अकेले ही 12 वर्ष की अवस्था में पद्मावती के तट पर गए, वहां जैसे ही स्नान किया, पद्मावती में उत्ताल तरंगे और सात्विक विकार जैसी स्थिति पैदा हो गई। पद्मावती पहचान गई, पद्मावती प्रकट हुई, और पद्मावती ने प्रकट होकर वो नित्यानंद के प्रेमाश्रुओं की पोटली श्री नरोत्तम को प्रदान की, और वो प्रेमाश्रुओं की पोटली नरोत्तम लेके आए, जो उनकी सदा सदा की संपत्ति बनी। प्रेमाश्रुओं की पोटली के कारण ही नरोत्तम ठाकुर जो हैं, वो विकलता के मूर्तिमान स्वरूप कहे जाते हैं। उन्होंने प्रेम भक्ति चंद्रिका और नरोत्तम प्रार्थना, दो ऐसे छोटे छोटे पयारबद्ध बंगला में ग्रंथ लिखे हैं, जो समस्त गौड़ीय वैष्णवों के कंठहार हैं, प्राय गौड़ीय वैष्णवों को वो याद हैं, और उसमें ऐसी ऐसी प्रार्थना करी है कि जिनको प्रार्थना करते ही मन प्राण रोने लग जाते हैं। विकलता कब प्रभु होगा, और दैन्य, दैन्य के लिए भी उन्होंने इतना इतना ज्यादा वर्णन किया है कि कुछ पूछिए मत। तो वो विकलता के साक्षात स्वरूप रहे हैं। ऐसे ही ये उनके आविर्भाव की कथा है, उनके तिरोभाव की भी कथा बड़ी दिव्य है। उनका बहुत दिव्य चरित्र है, और प्रेस द्वारा प्रकाशित ब्रज की चंद्रिका ग्रंथ में उनका चरित्र भी है, प्रेम भक्ति चंद्रिका भी है, नरोत्तम प्रार्थना भी है, सारा कुछ एक ही जगह संकलित है। उनका जब तिरोभाव हुआ तो अपने शिष्य थे, उससे बोले कि भैया मेरे को गंगा तट ले चलो। गंगा तट पे गए, गंगा तट पर जाके वृद्ध थे, स्वयं अपनी सेवा करने में अशक्त थे, तो उनके दोनों शिष्यों ने गंगा के तट पर बैठाया और गंगा जल से उनको स्नान कराने लगे। गंगा जल से स्नान कराते कराते गंगा का जो स्नान करा रहे थे जल, वो ऐसे दुग्ध रूप में परिणित हो गया, और पलक झपकते ही झपकते वो उस स्नान से जैसे बर्फ पिघल के पानी में पानी हो जाती है, वैसे ही नरोत्तम ठाकुर महाशय का शरीर विगलित हो गया और गंगा में मिल गया। वो शिष्य हक्के बक्के से रह गए कि हमारे गुरुदेव कहाँ गए। ऐसा नहीं है कि वो डूब गए या वो बह गए किसी धार में, वो गंगा स्नान करते 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 गंगा रूप हो गए, गंगा में ही विगलित होके गंगा में ही मिल गए। ऐसे नरोत्तम प्रभु का तिरोभाव हुआ। किसी और का हुआ ऐसा तिरोभाव, किसी और का हुआ ऐसा आविर्भाव, किसी और की ऐसी स्थिति बनी कि महाप्रभु ने जन्म से पहले ही हा नरोत्तम पुकारा हो, किसी और के लिए महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के प्रेमाश्रुओं की पोटली एकत्रित करके पद्मावती को दी हो कि यह नरोत्तम प्रभु का एक जिसे कहते हैं ना अमानत, कभी हुआ ऐसा, कभी नहीं हुआ। तो ऐसे सौभाग्यशाली, ऐसे परम वैष्णव, ऐसे परम कृपा पात्र, ऐसे दीनहीन, ऐसे विकलता के मूर्तिमान स्वरूप श्री नरोत्तम ठाकुर जी का आज आविर्भाव है। आज आविर्भाव के अवसर पर हम उनको शत शत नमन करते हैं,
उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी जैसी भक्ति, उनका जैसा प्रेम, उनकी जैसी विकलता तो हमें मिल ही नहीं सकती। उसका एक कण भी यदि हमें मिल जाए तो हमारा ये जीवन सफल हो जाए और हम भक्ति पथ पर चलते हुए कुछ और आगे बढ़ जाएं और अपने जीवन को कुछ न कुछ आगे बढ़ा लें। उनके दीक्षा का प्रसंग भी श्रीनिवासाचार्य जी का ऐसा है कि श्रीनिवास ने प्रण कर रखा था, मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, और ये राजकुमार के सुपुत्र थे। तो 3:30 बजे श्रीनिवास जी जहाँ शौच आदि त्याग करने जाते थे, ये उनसे पहले उठ के वहाँ सारा स्थान वगैरह शौच वाला साफ कर देना और वहाँ जल भर कर रखते थे। 10-15 दिन हो गए, बोले ये कौन यहाँ इतना स्थान शुद्ध करता है। तब जाके एक दिन निवासाचार्य प्रभु समय से पूर्व ही चले गए तो देखा कि ये राजकुमार नरोत्तम वहाँ सारा शौच आदि मलमूत्र को साफ कर रहा है। बोले बेटा तुम, बोले प्रभु मैं तो आपकी कृपा चाहता हूँ, मैं तो आपकी, देखिए राजकुमार होके सेवा क्या करी, मलमूत्र साफ करने वाली। तो ऐसे में श्रीनिवासाचार्य जी को अपना प्रण तोड़ के इनको दीक्षा देनी ही पड़ी और इनको दीक्षा दी। बोले नहीं तुम आओ, तुम पर मैं कृपा करता हूँ। ऐसे श्री नरोत्तम, ऐसे श्री नरोत्तम प्रभु के श्री चरणों में हमारा प्रणाम, शत शत नमन, उनसे उनकी भक्ति की प्रार्थना। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे।